नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हुआ फिर से हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप रियलमी C25 मोबाइल में आप फिंगरप्रिंट ऐप लॉक को सेट कर सकते हो, यानी आप अपने ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट को भी लगा पाओगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, और जैसे सेटिंग में जाओगे तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्राइवेसी का, तो प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर नीचे जाना है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप लॉक का, तो ऐप लॉक पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, यहाँ पर आपको अपना पैटर्न डाल देना है, जो भी आप अपना पैटर्न रखना चाहते हो उसको डाल देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर आपको जो ऐप लॉक है ऑटोमेटिक इनको आपको हटा देना है और लॉक पर क्लिक कर देना, नीचे लिखा हुआ है लॉक। इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आप अपना फिंगरप्रिंट भी यूज करना चाहते हैं, तो अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐप को लॉक कैसे करना है। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऐप्स आ गए, अब इनमें से जिसको भी लॉक करना है उस पर आपको क्लिक करना है सिंपली, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप लॉक है इसको इनेबल कर देना है। अब दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट लगाने के लिए क्या करना है, ऊपर आप देख पा रहे हो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यूज फिंगरप्रिंट फॉर ऐप लॉक, तो इस पर आपको क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल कर दोगे ये इनेबल हो जाएगा, अब आपका जो फिंगरप्रिंट है वो ऐप लॉक में लग चुका है। अब जितने भी आपने ऐप को लॉक किया होगा उनमें आप जो है फिंगरप्रिंट का यूज करके उनको अनलॉक कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।